बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं दोस्तों, जो लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस बेकार है, इंश्योरेंस में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, इंश्योरेंस एजेंट से पीछा छुड़ाते हैं, इंश्योरेंस एजेंट को देख के भाग जाते हैं, उसके फोन नहीं उठाते, उसके मीटिंग नहीं करते, वो अगर टाइम लेता है मिलने आ जाता है तो उससे दूर भागते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वो इंश्योरेंस एजेंट कहीं ना कहीं किसी भगवान के थ्रू, किसी क्रिसमस के, किसी अल्लाह के थ्रू, किसी ना किसी भगवान के थ्रू आपको भेजा हुआ वो दूत है, वो सही पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी कुशलता चाहता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं वो अपनी कमीशन के लिए आपके पीछे भाग रहा है, अपने पे आउट के लिए आपके पीछे भाग रहा है, तो आई एम सॉरी दोस्तों, वो अपना पे आउट बाद में सोचता है, पहले आपकी सलामती चाहता है। और जो लोग भी एजेंट से पीछा छुड़ाते हैं, जो लोग भी इंश्योरेंस एजेंट को एक अलग नजरिए से देखते हैं, मैं उनसे माफी चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत जेन्युइनली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से, वो इंश्योरेंस एजेंट जो आपके लिए जेन्युइन वर्किंग कर रहा है, अपनी नॉलेज आपके साथ जेन्युइन बेसिस पे शेयरिंग कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए टाइम और पैसा एनर्जी सब लगा रहा है, उसकी दाल रोटी सिर्फ और सिर्फ उसी काम से चल रही है, लेकिन वो आपके भले के लिए अपनी नॉलेज और वर्किंग में लगा हुआ है, और आप उसकी नॉलेज से एनकैश करना चाहते हैं या उससे दूर भागना चाहते हैं या उसकी कमीशन में से कमीशन मांगना चाहते हैं, तो मैं ऐसे लोगों से क्षमा चाहता हूं, माफी मांगता हूं। हम लोग एजेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं उनको ये काम करना सिखाते हैं, क्योंकि ये नॉलेज और शेयरिंग नोबल प्रोफेशन है, इससे बहुत लोगों का घर परिवार बसता है। जिनके घर में भी कोई मिसहैपिंग होती है ना, तो जितने रिलेटिव्स जिनको पैसे देने होते हैं, जो लोग, जो दोस्त रिश्तेदार जिनको पैसे देने होते हैं, वो उनसे पीछा छुड़ाते हैं और उनसे दूर भागते हैं। लेकिन एक इंश्योरेंस एजेंट ही है जो क्लेम के वक्त, एडमिट के वक्त, इमरजेंसी के वक्त सबसे पहले क्लाइंट को फोन करता है, उसके फैमिली में जाता है, मिलता है और उसका वो क्लेम सेटल कराता है। जिस टाइम कहीं से भी पैसे आने की कोई उम्मीद नहीं होती, उस टाइम वो इंश्योरेंस एजेंट आपको, आपके परिवार को, आपके नॉमिनीज को वो पैसा दिलाने की रास्ता दिखाता है, आस जगाता है और वो पैसा दिलाता है, जिसके लिए वो कोई भी चार्ज नहीं करता, चाहे आपने उससे कमीशन ली हो नहीं ली हो। तो दोस्तों इंश्योरेंस एजेंट एक ऐसा दूत है, एक ऐसा शख्स है जो आपकी लाइफ को एक अच्छे लेवल पर जेन्युइनली सेट कर सकता है, आने वाली किसी भी बड़ी इमरजेंसी को आपको परेशानी से बचा सकता है, आपके परिवार को परेशानी से बचा सकता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने में जेन्युइन हेल्प कर सकता है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, इंश्योरेंस एजेंट्स को एक जेन्युइन शख्स की तरह सम्मानित करें, ध्यान से समझें, वो जो भी नॉलेज आपके साथ शेयरिंग करते हैं, वर्किंग करते हैं, उनके साथ समय लगाएं और जल्दी से जल्दी अपने लिए प्लान फाइनलाइज करें। अगर आपको ऐसा लगता है ये एजेंट मेरे लिए कंपैटिबल नहीं है, मेरी नॉलेज से मैच नहीं करता है, मेरे अकॉर्डिंग मेरा को बढ़िया प्लान नहीं बता रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दीजिए, उनके साथ ऑब्लाइज मत कीजिए, उनको ऑब्लाइज करने के लिए कोई भी इंश्योरेंस प्लान मत लीजिए, चाहे वो लाइफ का हो, हेल्थ का हो, जनरल का हो, क्योंकि एक अच्छा एजेंट आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है और एक खराब एजेंट अच्छे वाले क्लेम को भी खराब करवा सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो नॉलेज और वर्किंग नहीं होगी। तो मेरी आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि एक प्रोफेशनल एजेंट्स के साथ ही जुड़े, आपको जब तक कॉन्फिडेंस लेवल आपका मैच ना करे, जब तक आप उससे पॉलिसी ना लें, किसी भी तरह का पॉलिसी ना लें, क्योंकि जो नॉलेजेबल एजेंट होगा वो आपको नॉलेज के साथ साथ आपके पैसे की, आपकी वर्किंग को जेन्युइन लेवल में एनहांस कराएगा। लेकिन अनप्रोफेशनल, अनट्रेन्ड एजेंट्स आपके अच्छे वाले क्लेम को भी खराब कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वर्किंग, जस्ट बिकॉज ऑफ पार्ट टाइम वर्किंग, उनको कुछ समझ ही नहीं होती। तो आई होप मेरी ये वर्किंग, ये नॉलेज आपको समझ में आई होगी, एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस एजेंट आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, आपके लिए जेन्युइनली हेल्पफुल हो सकता है, तो उनका साथ दें, उनका सहयोग करें, उनके साथ पॉलिसीज जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करें। नमस्कार, योगेंद्र।